अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सारे लोग खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे ऑनलाइन स्टोर की, जो बेसिकली का ऑप्शन हमें नज़र आता है शॉपिफाई के डैशबोर्ड के अंदर। तो चले चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर, इसको देखते हैं। तो हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पे देखें ऑनलाइन स्टोर का एक ऑप्शन है और इसके अंडर काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। बेसिकली हम अपने स्टोर को जो भी तरह से डिज़ाइन डिवेल्प या उसके अंदर कोई भी तरह का पेज ऐड करना है, ब्लॉग पोस्ट ऐड करनी है या उसके अंदर से डिज़ाइनिंग के परस्पेक्टिव से उसको कस्टमाइज़ करना है, वो सारे ऑप्शन हमें यहाँ पर नज़र आएंगे। हमें नेविगेशन मेन्यू बनाना है, प्रेफरेंसेस देखनी, वो सारी चीज़ें हम यहाँ से डील करेंगे। लेट्स सपोज आपको डिफरेंट थीम चेंज करने हैं, तो यहाँ पे थीम का ऑप्शन है, आप कस्टमाइज़ करके थीम चेंज कर सकते हैं और उस थीम को यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। उसके अंदर कोई चीज़ ऐड करनी है, कोई चीज़ डिलीट करनी है, कोई सेक्शन ऐड करना है या कोई स्पेसिफिक आइटम डिलीट करना है, तो इसी तरह ब्लॉग पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं, डिफरेंट पेजेस क्रिएट करके अपने स्टोर के अंदर शो करवा सकते हैं, नेविगेशंस बना सकते हैं, प्रेफरेंसेस के अबाउट डिफरेंट चीज़ें ऐड कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आई होगी कि ऑनलाइन स्टोर का बेसिकली क्या मकसद है। इसको आगे वाले मॉड्यूल्स के अंदर बहुत ही डिटेल के अंदर मैं एक एक चीज़ आपको करके दिखाऊंगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़।